हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सब लोग को मेरे ब्लॉग में स्वागत है। और आशा है ये और आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप सभी लोग मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अपने अपने जिंदगी में स्वस्थ होंगे। और आगे की भगवान जो भी आप सोचे हो मनोकामना पूर्ण करेंगे, और उसी मनोकामना के साथ में आज का ब्लॉग स्टार्ट होता है दोस्तों। तो अभी जो है सुबह का 7:30 बज चुका है, 8:15 बज चुका है समझिए कि, और अभी जो है जस्ट सो के उठे हैं और अब जो है व्लॉग बनाए हैं। देखिए अब मेरा जो है आँख का लालिमा धीरे धीरे कम हो रहा है दवाई डालने से, और धीरे धीरे कम हो ही जाएगा। और सुबह सुबह का लंच सब लोग कर रहा है, ब्रेकफास्ट, लंच नहीं ब्रेकफास्ट। क्या खा रहा है जी? उबाल तो खाना पीना अभी से स्टार्ट हो गया, कल बना हुआ था पुआ, तो पुआ देख रहे खराब ना हो जाए, इसी चलते जो है उसी को ही समाप्त करने में लग गई है ये टीम। तो दोस्तों दोपहर का समय हो चुका है और अभी जो है 12:30 बज चुका है, आ गया फरमान अपने काम पर जाने को। तो नहा धोकर अभी जस्ट तैयार हुए हैं, बच्चों लोग को चिकन विकन बना कर खिलाए। हमारे यहाँ जो है थोड़ा बहुत रीति रिवाज है, मतलब चिकन खाइए नहाइए तब घर में प्रवेश है, नहीं तो नहीं प्रवेश है। अब बताइए इसका आप कोई उपाय थोड़ी ना है। अब जिसका मन में और दिमाग में कुछ और चलता है तो उसका कोई उपाय नहीं हो सकता है, हालांकि जो लोग दिमाग से काम करते हैं उसका कोई उपाय हो सकता है। तो चिकन खाए, उसके चिकन बनाकर बच्चों लोग को खिलाए भी और हम भी खाए, फिर नहाए, नहाकर फिर जस्ट अब निकलेंगे अपने काम को थोड़ा देर बाद। तो हम सोचे कि चलिए अब थोड़ा बहुत दोस्तों के बीच में उपस्थित हुआ जाए, अपनी दिनचर्या तो बताया नहीं है, जब बना रहे थे तो बता नहीं पाया। और चिकन आज कुछ खास बना नहीं क्योंकि जो है चिकन में प्याज काफ़ी ज़्यादा हो गया था, तो उसके चलते तो चिकन में मिठास ज़्यादा हो गया था। चलिए दोस्तों बने रहेंगे ब्लॉग में, आगे आगे देखिए क्या होता है। जो तो दोस्तों सबसे ज़्यादा लंबा ब्लॉग बनाने का मन नहीं करता है, क्योंकि ज़्यादा लंबा ब्लॉग बनाने से होता ये है कि एक तो यहाँ पर नेट का दिक्कत है और दूसरी बात यह है कि जल्दी अपलोड होता नहीं है। और अभी उतना खास ज़्यादा और मतलब कि अभी ब्लॉग भी नहीं चल रहा है मेरा। खैर आप लोग चाहेंगे तो चलेगा और देखेंगे तो कमेंट करके बताइए कैसा लगता है मेरा ब्लॉग, आप लोग कमेंट करके बताते नहीं हैं। वैसे शाम का समय हो चुका है और धीरे धीरे जब मेरे आँख की लालिमा है धीरे धीरे कम हो रही है, क्योंकि अब दवाई डाल रहे हैं इसमें, तो अब समझिए कि धीरे धीरे खत्म ही ठीक ही हो जाएगा। दोस्तों आज होली का दहन भी हो गया, रंग भी खेल लिए, लेकिन आज का दिन जो है बिहार में बसिहोड़ा चलता है। बसिहोड़ा मतलब कि होली का रंग पर्व का दूसरा दिवस होता है, उसमें सभी लोग होली से भी ज़्यादा उसका महत्व होता है। और बहुत लोग उसका जो है उसमें सभी लोग जो है गांव के लोग उसमें मिलके, कोई लड़का बनता है, कोई लड़की बनता है, कोई दूल्हा दुल्हन बनता है, इस तरह से बन के जो है वो लोग पूरे गांव घर पूरे गांव को घूमते हैं और कुछ चंदा के तौर पे कुछ पैसा लेते हैं, मतलब कि अपने मतलब कुछ खर्चे बर्चे के लिए, मतलब अपने उत्साह के लिए वो पैसा वसूलते हैं, मतलब लेते हैं। और रंग सभी से खेलते हैं पूरा एकदम, जितना रंग से सराबोर कर देते हैं। तो यही है आज का दिन जो है इसी में ही बीत जाता है। वैसे चलते जो हम अभी निकल भी नहीं पाए हैं और कहीं निकल जा भी नहीं पाए, सुबह सिर्फ गए थे चिकन लाने के लिए, वो भी ब्लॉग बनाना सोच रहे थे तो बना नहीं पाए क्योंकि हमारे यहाँ जो है अंधविश्वास लोग बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि बोलते हैं कि मुर्गा बनाई था, मुर्गा छू दिए तो मोबाइल नहीं छूना है। इसलिए जो है वो सब लोग आपको ब्लॉग में आप लोग नहीं देख पाए। दोस्तों आगे आगे देखिए क्या होता है। जो तो दोस्तों ये जो आप लोग नज़ारा देख रहे हैं हमारे गांव का मार्केट का है, और लाइट नहीं है, थोड़ा बहुत लाइट है जो कि आप लोग को मेरा चेहरा थोड़ा सा धुंधला दिखाई देगा। अब यहाँ पर सब्जी लेकर जो है अपने घर को लौटेंगे, थोड़ा बहुत लाइट है जिसमें आप लोग देख पाएंगे। ये मेरा गांव का नज़ारा आप लोग देख रहे हैं मार्केट का। तो दोस्तों मार्केट से अब जो है हम अपने घर को जा रहे हैं, और देख सकते हैं ये जो रास्ता एकदम सुनसान है और लाइट वाइट नहीं है, अभी पूरा उतना डेवलप एरिया नहीं है, इसी चलते जो है थोड़ा बहुत दिक्कत है।
और पैदल ही जाना पड़ेगा, थोड़ा बहुत धुंधला दिखाई देगा आप लोगों को, तो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। दोस्तों फिलहाल जो है अभी हम जस्ट घर पे पहुँचे हैं और घर पे पहुँच कर सभी सामान रख कर अभी जस्ट कपड़ा बदले हैं और थोड़ा बहुत अभी देखिए फोन आ रहा है, बात कर लेना, उसके बाद मैं आगे का ब्लॉग आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों ऐसा है कि 14 मिनट का ब्लॉग अपलोड होने में पूरा दिन भर का समय लग गया है और अब जो है कि अब मन ये करता है, पहले तुम सोचते थे कि छोटा सा मोबाइल है, इसमें इसका करेजा छोटा सा है, ज़्यादा चलाएंगे तो इसका करेजा दब जाएगा, इसको हार्ट अटैक आ जाएगा। अब मोबाइल ठीक है तो हम सोचे कि ब्लॉग अच्छा अच्छा बना के डालेंगे। जब बना के डाल रहे हैं तो अब नेट का समस्या आ गया, जो कि अब 5G चल रहा है, लेकिन फिर भी पूरा 14 मिनट का ब्लॉग अपलोड होने में समझिए पूरा दिन भर का समय लग गया। अब बताइए कैसे अपलोड करें। चलिए स्पीड का कुछ समस्या है, अब देखिए हर एक जगह पर अलग अलग बात होती है, अभी तो खैर स्पीड का ही समस्या मुझे नज़र आया है, हालांकि आगे चल के वो भी सॉल्व हो जाएगा। और यहाँ पर खास करके है, आगे चल के दूसरे एरिया में स्पीड का उतना समस्या नहीं आता है। दोस्तों देख सकते हैं छोटू का अचानक से हो गया है तबीयत खराब, देखिए ठीक होता है कि नहीं, इसको कल लेके जाएंगे, हो सकता है कि अल्ट्रासाउंड करवा के देखेंगे अल्ट्रासाउंड में क्या निकलता है, अगर अभी ठीक रहेगा तो ठीक है, नहीं ठीक रहेगा तो उसको दिखाना पड़ेगा, और अल्ट्रासाउंड कराए बगैर कुछ पता चलेगा है नहीं, और ट्रीटमेंट वगैरह करवाएंगे। कैसा लगता है उल्टी जैसा? खांसते का है, हो खांसी ऐसा लगता है, ये पानी भी बहुत कम पीता है, पानी पीते हो तब काहे लगे ऐसे होता है। चलो ठीक है, रात भर देखा जाएगा क्या होता है। लोग तो उल्टी करने का मन हो रहा है, हैं लग रहा है उल्टी कर ले भी नहीं मानोगे, थोड़ा लग रहा है। अभी इसको दवाई दिए हैं, होम्योपैथिक दवाई दिए हैं, देखिए अभी कीड़ा अगर पेट में होगा तो मर जाएगा, और नहीं मरेगा तो जिंदा निकल जाएगा। घर में सभी लोग सुखी संपन्न होता है, किसी के शरीर में किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होता है, तो घर स्वर्ग से भी सुंदर लगता है। अगर घर में किसी भी व्यक्ति को कुछ अगर हो जाता है, थोड़ा सा भी समस्या होता है, तो एक के चलते सभी कोई को टेंशन हो जाता है, तो पारिवारिक उलझन भी है और प्लस में ये जो समस्या होती है, हर समस्या तो आती है, उसका हल हम लोग को ढूंढना है और हम ही लोग को उसे उलझना है और जूझना है, इसी का नाम जिंदगी है। तो दोस्तों अभी जा रहे हैं दवाई के लिए छोटू का, छोटू को अभी जैसे उल्टी जैसा हो गया था तो अभी जा रहे हैं उसका दवाई लेकर आएंगे और उसको देंगे। जो ये नज़ारा आप देख रहे हैं दोस्तों, ये जो है छोटू की दवाई के लिए आए थे अस्पताल में वहाँ का है, और जो है यहाँ से दवाई लेकर अब निकलेंगे, क्योंकि अब वहाँ पर वीडियो शूट करने में थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा था, तो इसलिए हम चुपके से हम वीडियो बना के और निकल दिए वहाँ से। तो अभी दवाई लेकर अभी जस्ट घर पर पहुँचे हैं, अभी दरवाज़ा मेन गेट बंद किए हैं और अब जाकर छोटू को दवाई देंगे। वहाँ पर रिकॉर्ड कर रहे थे लेकिन नहीं बोल रहे थे, क्योंकि वहाँ पर लोग बहुत गौर कर रहे थे, इसलिए जो है हम वहाँ पर कुछ बोल नहीं रहे थे। हालांकि डिस्कशन हुई इसके और कुछ समस्या के बारे में छोटू के, चलिए सब ठीक हो जाएगा, भगवान की कृपा रहेगी। तो माँ जो है बच्चे की सेवा करती है, बच्चे को बचपन से लेकर सयाना कर देती है, और एक समय में यही बच्चा जो है लात से मार के घर से बाहर निकाल देता है। खैर बच्चों को तो अच्छा परवरिश देना चाहिए, जानते भर में हर एक गार्जियन जो है अपने हिसाब से अच्छा ही परवरिश देने का प्रयास करता है, लेकिन कहीं कहीं गार्जियन का मिस्टेक होता है तो कहीं कहीं बच्चों का भी मिस्टेक होता है, लेकिन ज़्यादातर बच्चे लोग ज़्यादातर जो है मिस्टेक कर बैठते हैं, ये हम नहीं हर एक व्यक्ति का मानना है। और देखिए इसका तबीयत ख़राब है, तो इसकी माँ जो देखिए उसको सेवा कर रही है कि बबुआ हमारा जल्दी से ठीक हो जाए,
खैर ये भी जो है सो हर एक चीज़ में मदद करता है। इसकी माँ का तबीयत ख़राब हुआ था तो उसमें बहुत मदद किया है। हालांकि बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, जितना इसके नॉलेज में आया उतना ये किया था। चलिए बढ़िया है, और अच्छा करने से अच्छा होता है ये हर एक व्यक्ति जानता है, तो हमें भी अच्छा ही करने का प्रयास करना चाहिए। सिखाओ तो अच्छा सिखाओ, वरना बुरा सिखाने से क्या फ़ायदा। ये हम नहीं, बहुत ज्ञानी लोग बातें बोल गए हैं, लेकिन समझने वालों को तो कहने के अरे ये बहुत ज्ञान की बातें फैल रहा है। तो कुछ लोग को अच्छी बातें अच्छी लगती हैं और कुछ लोगों को अच्छी बातें कड़वी लगती हैं। तो दोस्तों इसी के साथ मैं अभी का जो है व्लॉग मैं समाप्त करूँगा, और आज का व्लॉग इतने पर ही मैं समाप्त करूँगा, और आज के लिए इतना ही रहेगा। बाकी का व्लॉग के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट जरूर करें कैसा व्लॉग बन रहा है, जो जिससे हमें भी कुछ पता चले कि कैसा बन रहा है। ऐसा आशा है कि हम जानते भर में अच्छा ही बनाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर से जो है अब ये जो व्लॉग मैं दिखा रहा हूँ वो छोटे बच्चे को, अब देखता हूँ पवन जग रहा है किस हो गया है, मोबाइल मास्टर है वो। तो मेरा कथन गलत नहीं था, सही था, मैं बोला वो गलत नहीं है। पढ़ने के लिए बोलो तो ये लोग को कॉपी किताब में मन नहीं लगेगा, लेकिन मोबाइल में मन लगता है। बताइए अब कितना इन लोग को समझाया जाए, जो छोटा रहा नहीं, 10-12 साल का हो चुका है, तो अब बताइए इसको क्या समझाएं हम। हालांकि इसको तो अपने आप से खुद से समझना चाहिए था। हम आए देखे कि हो सकता है कि सो गया होगा, लेकिन सोया नहीं, मोबाइल चला रहा है, बताइए। तो दोस्तों आएगा ब्लॉग के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।